Krishna,
शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। Time.
संत सुना सरे संतो निहाया सरे भद्रान पश्यंतु माता चीज भाग बने हरिओम शांति 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 ओम प्रभु इसने भगवान कृष्ण की गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी आओ मेरे साथ शामिल, दोनों हाथ जोड़ते हुए देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेवाय, प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रय नत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचानूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्णः शरणौ मम, श्री कृष्णः शरणौ मम, श्री कृष्णः शरणौ मम। भाग्यशाली कल्याणकामी देवी था मेरे बड़भागी गीता के प्यारे का सज्जन, कर लो अपने मन को एकाग्र, जोड़ दो अपने भगवान जी की अमार एवं अत्यंत कल्याणकारी वाणी में। बहुत छोटी वाणी हम सब के लिए भगवान का सचमुच आशीर्वाद है, सचमुच वरदान है। इन दिनों इस दिव्य वेला में देवियों सज्जनों हम श्रवण कर रहे हैं कर्मयोग तृतीय अध्याय। कर्मयुग में सब कुछ आ गया, अंगों से कर्म होगा कब, एकाग्र हो जाओ देवी, अब सब आंखों से देखेंगे, कानों से सुनेंगे, हाथ से लेंगे देंगे, पैरों द्वारा आएंगे जाएंगे, लेकिन कब, जब मन में कोई विचार उठेंगे तब। यदि मन में कोई विचार ना उठे इंसान से कर्म नहीं होता। आप मेरे पर बड़ा भारी इतराज या आपत्ति उठा सकते हैं, जब हम संकल्प विकल्प से रहत हो जाते हैं भगवान की कृपा से, तो फिर भी तो भगवान के प्यारे कर्म करते हैं। हाँ, फिर उनमें तो कोई विचार नहीं उठता, वो कर्म कैसे करती हैं? उनके अंदर भगवान ये बिठा देते हैं, फकत मेरी खातिर तू काम कर। अच्छा क्यों काम कर, उसका भला कैसे हुआ? जो उससे पहले अनुभवी महापुरुष थे उन्होंने अपने आप को रगड़ा और जगाया, अब उनका धर्म हो जाता है कि हम जैसे को उठाएं और आगे ले चले, चूंकि इसी तरह दुनिया का चलता दौर ऐसे ही चलता है। तमोगुणी इंसान कई तमोगुणी बढ़ा के मरता है, रजोगुणी इंसान कईयों को रजोगुणी बना के मरता है, सतोगुणी इंसान कईयों को सतोगुण बढ़ाकर भगवान की ओर ले जाके शरीर छोड़ देता है। बाकियों को मरना गए भगवान के प्यारे का शरीर छोड़ना, चूंकि वो मर के फिर पैदा होगा, ये शरीर छोड़ के फिर नहीं इस मकान में आएगा। कर्मयोग से सारे योग आ गए, विचार होगा तो कर्म होंगे, तो विचार कैसे होगा जब तक निर्णय ना हो। हाँ, कोई निर्णय करोगे तो विचार होगा, स्कीम्स बनेंगी, योजनाएं बनेंगी, फिर आखिर में हम शरीर से करेंगे। तो आइए, कर्मयुग हमारे जीवन में मेरी देवियों पग पग पे काम आने वाला है। ज्ञान केवल बुद्धि में रहेगा, भक्ति प्रेम में रहेगी, कर्म तीनों में रहेगा। ज्ञान केवल बुद्धि में रहेगा, नॉलेज डिवाइन इंफॉर्मेशन इसका कोष बुद्धि है, और विचार चाहे उच्च विचार हो उसका अधिकारी मन है।
लेकिन जब हम कर्म करेंगे हाँ तो तीनों साथ मिल जाएंगे। कर्म करने में कोई इन्हें डिक्टेट करने वाला हो, हाँ जैसे कुछ सिनेमा चला हो रहा है, आप देख रहे हैं भगवान राम जी की जीवनी चल रही है, आप देख रहे हैं, लेकिन एक के बाद एक दृश्य जो इतने सुंदर आ रहे हैं, तो इनको कंट्रोल करने वाला कौन है? हुई थी कंट्रोलर, हुई थी संचालक, हाँ कोई तो कैबिन में बैठा होगा जरूर। तो जब अंग इतने लगातार कर्म करते हैं, इसका संचालक कौन है? मन। तो मन के ऊपर तो कोई सत्ता होगी जो मन को ऑर्डर देती होगी, बुद्धि। तो इस तरह ये चलता है। तो जब कर्म योग हम करते हैं तो तीनों साथ मिल जाते हैं, तीनों को बुद्धि साथ मिल जाती है, मन भी मिल जाता है। भक्ति में अंग नहीं मिलते, भक्ति में बैठा भगवान का भजन कर रस आ गया तो मेरे सारे अंग ही खत्म, और तो जबान ही बंद हो जाती है। हाय जो जबान भगवान का नाम बोलती थी भक्ति, वो भी बंद। जो मन रस ले रहा था वो भी चुप। ज्ञान में तो है ही निर्विकल समाधि, ज्ञान में हाँ समाधि जो इन तीनों से ऊपर उठ जाता आदमी, बॉडी माइंड कॉन्शियस से परे। कर्म में है जो तीनों जागे रहती हैं, तीनों का तीनों, बुद्धि होगी, विचार होंगे और कर्म होगा। इसलिए बड़ी जरूरत है कर्म योग के अंदर सावधानी की। कर्म योग में और कोई सावधानी नहीं, सिर्फ एक सावधानी, मैंने जो भी कर्म करना भगवान के प्यार में भर के करना। क्यों क्यों भगवान के प्यार में भर के करूं? इसलिए हाँ ये सब कुछ जो कुछ मुझे मिला है भगवान ने दिया है। अच्छी बुद्धि भगवान से, अच्छे विचार भगवान से, और ये क्रिया की प्रेरणा भगवान से, फिर हमारा धर्म हो जाता है। उसी के लिए कृष्ण हम कहते हैं, माँ बाप ने मुझे जन्म दिया, माँ बाप ने मुझे पढ़ाया, मुझे कमाने कावल बनाया, माँ बाप ने 1000 रुपया लगा करके मेरी शादी की, अब मेरा धर्म है कि मैं उनकी दिलो जान से सेवा करूं। इसके परे हटो, इनके सारों के पीछे। अब आपने कर माँ बाप ने किया, अब हमारे हिंदू धर्म कहता है कि माँ बाप किसने बनाया, माँ बाप को अच्छा किसने बनाया, माँ बाप को आस्तिक किसने बनाया, माँ बाप को धार्मिक किसने बनाया? भगवान जी ने। तो अगर माँ बाप की सेवा करना धर्म है तो भगवान के अनुसार जुटना परम धर्म हो गया, चूंकि वो माँ बाप का ही माँ बाप है। इसलिए विचारधारा बनाए हाँ तो हमारा अहमपना चला जाता है। हाँ प्रत्येक क्रिया भगवान के लिए करती है, प्रत्येक क्रिया। आप क्यों जी पत्नी के लिए, पति के लिए सब कुछ क्यों करती है? वही तो मुझे लाया है, वही तो मेरा जीवन साथी हमरा ही है। इसलिए अगर हम किसी के एहसान में भर कर कर्म करती है, मतलब ये हो गया कि हमें उपकार याद आती है, हम अपनी कुर्बानी करते हैं। कर्म में तो कुर्बानी करनी पड़ती है, कर्म ये तो नहीं उठा और गिलास भर के दे दे, गिलास भरने में भी कुर्बानी, ऐसे नहीं। गिलास को पहले धोबोगे, साफ करोगे, कोई राख न लगी हो, कोई कहीं बाल उसके अंदर ना पड़ा हुआ हो, अच्छी तरह बाहर अंदर से धो के, क्योंकि बच्चे बाहर हाथ लगाते रहते हैं, गंदे हाथ होते हैं, तो धोने में भी कर्म किया और अच्छी तरह मलमल के धोया और पानी को देख के धोए कि पानी के अंदर गंदमन तो नहीं है, कोई मक्खी तो नहीं आ गई, कोई और चीज तो नहीं, कोई तीला तो नहीं है पानी के अंदर। कितने कर्म किया आपने, सिर्फ किसने मांगा एक गिलास पानी? अगर आप सियाने हैं तो बड़े ध्यान से देख के देंगे, जरा सा पानी में कोई शक पड़ जाए, वरना सियाने तो पहले पानी को क्या कर लेती है, पानी में पूरा रख देती है कि जरा छान के पानी दे दे। तो पानी देने में कितनी कुर्बानी है। तो कर्म कुर्बानी मांगता है, कर्म कुर्बानी मांगता है। कैसे बाप कुछ कहती है, आप खाना चाहती हैं क्या सेवियां? अब आपने मशीन ही लाई, ऐसा थोड़ा मशीन में विशेष तरीके से मोटा आटा गूंथ के और ऊपर मुंह में डालना पड़ेगा, तब वो सेवियों की शक्ल में आपको बाहर निकालेगी, उसके लिए कुर्बानी करनी पड़ेगी। इसलिए जब भी इंसान अपने कर्म निकाल दे, सेवियां निकलती हैं, ऊपर आटा डाला जाए और मोटा गूंथा हुआ हो, इसी प्रकार कर्म करेंगे तो ऊपर से कुर्बानी की जाए, उधर आटा डालेगा सेवियां निकलेंगी, इधर कुर्बानी करोगे कर्म होगा। पर कुर्बानी किसके लिए? दूसरों के लिए। और दूसरों के लिए कुर्बानी नहीं होती जब तक कि उनके प्रति प्रेम ना हो। ये प्रेम ऐसा भगवान ने वृत्ति, मन की वृत्ति है, प्रेम की ऐसी वृत्ति बनाई है जिसमें इंसान पता नहीं क्या क्या बड़ी बड़ी कुर्बानियां नहीं कर जाता, धक्के खाएगा, सर्दी सहेगा, एक छोटे से प्रेम के, ढाई अक्षर प्रेम के, ढाई अक्षर प्रेम कितना करता है। सर्दी आप बर्दाश्त करती है, गर्मी आप बर्दाश्त करती है, वही कोई
बीमारी आप बर्दाश्त करती है, लानती आप, मार धाड़ आप बर्दाश्त कर लेती है, सब कुछ है। विदेश में जाकर के जैसे मुझे विदेशियों से आए हुए बड़ी बेकदरी होती है हिंदुस्तानियों की, बड़ी बेकदरी। अमेरिका वाले बहुत बेकदरी करते हैं, इंग्लैंड वाले रख रख के सुनाते हैं, कनाडा वाले भी जैसे बेटी बता रही थी कोई कदर नहीं करते, फिर भी इंसान जाता है। मैं बहुत कमाऊं क्यों, अपने बच्चों को दूं, मेरे बच्चे तरक्की करेंगे, मेरे ये होगा, मुझे अच्छा घराना मिल जाएगा। ये बेकदरी करवा के अपनी कॉन्शियस को किल करके इंसान जाता है, किस लिए? केवल प्यार में। किन के लिए प्यार, किन के लिए? अब ये प्यार कितनी कुर्बानी मांगता है, ये प्यार जिसके प्रति हो जाएगा जीव कुर्बानियां करता जाएगा। भगवान ने प्रेम की वृत्ति तो बनाई है, पर प्रेम बड़ी कुर्बानी मांगता है। भले वे माता पिता का पति हो, कितने शर्म ने कुर्बानी की, भले पति पत्नी के प्यार हो, आपने आप खुद आपका तजर्बा, कितनी भारी कुर्बानी करनी पड़ती, कितनी भारी कुर्बानी। एक पर पुरुष को पति कहकर देख लो, अगर आपने चंदन की लकड़ी तरह रगड़ना दिया हो अपने आप, एक पर किसी पत्नी को, किसी औरत को पत्नी बनाकर कितनी कुर्बानियां की आपने, फिर पिता बने, कितनी कुर्बानियां इस शब्द को कराने के लिए, मैं पिता जी हूं, करो रज रज के कुर्बानियां। और आई एम द फादर, इट्स इजी टू स्पीक, दैट वेरी वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन। कितनी मेंटेनेंस मुश्किल है इसकी, इस सिर्फ पिता शब्द की। देखो कुर्बानियां कितनी, धन चाहते हो कितनी कुर्बानी, देशभक्त करो देश के साथ प्यार, कितनी भारी कुर्बानी। जिन बड़ा पंजाबी ठीक कहा किसी ने, जिंदी अंदर प्यार समावे ओनू मिट्टी नाल रलावे, रगड़ के रख देता मिट्टी के अंदर। क्या सूझी मेरे भगवान को इस प्रेम शब्द को, अपने प्रेम को अपने में से निकालकर जीवों के अंदर डालने के लिए। ये नहीं कि मनुष्य जाति में, इन चिड़ियों को देखो कितनी दूर से चोगा लेती हैं, इनको क्या कांटे चुभते हैं खाने में, प्रेम के कारण से, बस यहां से ले आएंगे चुगा 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 चोगा देंगे उस अपनी अगले आगामी औलाद को। ये कबूतर कबूतरी का हाल है, देखो कहां दूर दूर से लाते हैं, खुद नहीं खाते, भाई इनमें प्रेम है अपने बच्चों के प्रति। कितनी बारीक, जिधर भी देखो किधर भी, कितना दूध हवाने में ले आती गैया या भैंस अपने बच्चे के प्यार में। हमारे लिए तो नहीं देती वो दूध, बिल्कुल भी नहीं, तो हम लूट लेती हैं उसका हिस्सा, वरना देती है अपने बच्चे के प्रेम में भर के, हवाना भर लेती है उसके लिए। जिधर भी आप नजर मारोगे, जिधर भी नजर मारियोगे, ये चौमासे से पहले जरा खेतों में सैर करने गए करो, छोटी छोटी चींटियां मकौड़े क्या कनक का दाना ले लेके कहां जा रही है अपनी बिल के अंदर। इनको भगवान बता देती है कि बरसात आने वाली है, तो कई दिन नहीं कई हफ्ते आपको नहीं भोजन मिलेगा, तो भगवान तो अंत आता है, इनको प्रेरणा दे करके कितना जखीरा इनकी बिलों के नीचे हो जाता। व्हाट ए वंडर एंड व्हाट ए मिस्टीरियस, सब प्रेमी हो रहा, सब प्रेम, कितनी बारी कुर्बानी आप करते हैं। और फिर ओ बच्चे गए है, ओ पति गया, जबकि प्रेम न रहे, बेशरम और बेहया बन के मुझे माफ करना, आप कचहरियों में खड़ी हो जाती है। जिस पति के लिए इतनी कुर्बानियां की, उसके खिलाफ कितना बोलती हो खड़ी होकर के, हाय जैसे आप पत्नी नहीं कोई शूर्प नखा है। नहीं जज साहब मेरी बात सुनिए, ये जो कह रहा है बकवास कर, पति को कहे बकवास कर रहा है, बड़ा पति भावी नहीं, रख रख के सुनाते हैं आप, प्रेम नहीं ना रहा। अब देखो आप नारी क्या बन गई, शूर्प नखा, अगर प्रेम ना रहे तो इंसान क्या बन गया, शैतान। अगर साइकिल या स्कूटर आप चलाते हैं, आयलिंग ना किया करे तो क्या होगा, पुर्जा पुर्जे को रगड़े कर आटा बना देगा, एक लोहा नीचे एक लोहा ऊपर, आप तेल लगाते हैं ग्रीसिंग लगाते हैं तो ठीक चलता है, नहीं तो ये रगड़ के ये लोहे का चूरा बनता जाएगा, नीचे पुर्जे रगड़े जाएंगे। इसलिए ऑयलिंग वेरी वेरी एसेंशियल टाइम टू टाइम। इस तरह हमारे बुद्धि मन के अंदर ऑयलिंग है प्रेम, लेकिन परमात्मा बताता ना, हमने प्रेम तो किया पर शरीरों के साथ, चलो कोई गुनाह है लेकिन शरीरों के साथ भी स्वार्थ करके प्यार किया, या हमने मार खानी शुरू कर दी बेटे, स्वार्थ करके, काम करके, क्रोध करके, मोह करके, लोभ करके, इन्होंने हमें रगड़ के रख दिया, इन्होंने हमें ना लोक का छोड़ा ना परलोक का छोड़ा। वे राज की बातें मेरे जैसों से जान लो नेक जीवो, ओ कल्याण कामी मेरे सज्जनों,
तब ये कर्म योग, जिसमें बुद्धि की खुराक भी मिल जाएगी, मन की भी और अपने तन की भी। प्रेम किसके प्रति? जिसने हमें सब कुछ दिया। इसलिए मैं कहता हूं, अभी कहा क्यों हम कर्म करते हैं? प्रेम के लिए। और प्रेम किन के साथ होता है? अब यह बताइए, यहां तक तो मैं खींच के लाया, लेकिन अब जरा अपनी बुद्धि पर जोर देकर बताइए, प्रेम किन के प्रति होता है? यस, जिसमें गुण देखे जाए, गुणों से प्रेम पैदा होता है। अगर आपत्ति हो तो मुझसे पूछ लो कोई, जैसे फूलों से सुगंध ही निकलती है, इस तरह जिसमें गुण देखोगे हां तो उससे प्रेम की सुगंध निकलेगी। प्रेम कहां रहता है? प्रेम गुणों में रहता है। माता जी भी हम गुण देखती हैं, मेरी माँ कितनी अच्छी है, कितनी बोली वाली है, स्वभाव कितना अच्छा है, कितना मीठा है, इन इसमें स्नेह कितना भरा हुआ है, ममता कितनी है, देखते जाओ और उलझते जाओ। पिताजी के प्रति कितना होता है प्रेम? हाँ, गुण देख करके। फिर एक अनेक गुण देखे ना, हाँ इन्होंने सारे गुण मेरे लिए लगा दिए, अनेक गुण मेरे लिए लगा दिए। एक शब्द क्या है? पिताजी ने धन मेरे लिए लगा दिया, तन मेरे लिए लगा दिया, मन मेरे लिए लगा दिया, अपने सुख मेरे लिए लगा दिए, अपनी रात कम सोए, ओवर टाइम काम किया, मेरे लिए सारा किया। पिताजी ने मेरे लिए इतने गुण अपने लगा दिए। वन वर्ल्ड उपकार, बेटे इनके इतने उपकार हो गए मेरे लिए। वन वर्ल्ड उपकार, इन उपकारों को देख करके इंसान डाउन हो जाता, झुक जाता, बिना तलवार के, बिना किसी अस्त्र शस्त्र के मारा जाता। क्या है? मेरे पिताजी के बड़े उपकार है मेरे पर। इसी के लिए इसी तरह बुद्धि का विकास करें। भगवान जी के कितने उपकार है हमने देखे माँ बाप में, यही तो हमने मार खाई है, नहीं बताते भगवान भी नहीं बताते, किसी को कह दे बता दे नहीं कहते। क्योंकि जो हमने गुण देखे और फंस गए माँ बाप बहन भाई पति पत्नी में, तो गुणों का घर तो भगवान जी है, गुणों का घर तो भगवान जी है। जैसे कभी आपको माता जी 100 रुपया दे दें, आपकी बहन आपको 50 रुपया दे दें, हाँ तो आप चरणों में पड़ती हो, माँ आप कितनी अच्छी हो, मुझे 100 रुपया दे दिए, बहन तुम कितनी अच्छी हो, मुझे इतने रुपया दे दिए। लेकिन वो प्यार से कहती है, देख भैया हम तो कमाने वाले हैं नहीं, पिताजी ने हमें खर्चने के लिए दिए थे, तेरे प्रति प्रेम है इसलिए हम नहीं खर्चे, तुझे दे दिए, दिए हमें पिताजी ने। हाँ तो फिर हम पिताजी को प्रणाम करेंगे कि माँ जी को खर्चने के लिए दिए, माँ ने नहीं खर्चे, बहन को दिए, बहन ने नहीं खर्चे, मुझे दे दिए। इस तरह भगवान दसवें अध्याय में कहते हैं, जहां भी कहीं भी गुण नजर आए वो मैंने ही उनको दिए। सिर्फ इतनी सी बात हो जाती है, हम अनन्य पुजारी बन जाते हैं भगवान के। ओ देवी अनन्य, अर्थात अन्य ओर मन ना कभी जाता, दूसरों की ओर जाना ही हाँ अपनी तबाही करना है भक्ति में। हाँ, भगवान का भजन भी करती हैं, हाँ और दूसरों की ओर ही मन देती हैं, तो देखो फिर हमारी भक्ति नहीं है, फिर हम तरक्की नहीं कर सकेंगे। भक्ति वो होती है कि दूसरे को मन तन दिया जाए, मन न दिया जाए। वाह, ये तो गीता जी समझ आई, दूसरे को तन दिया जाए, तन द्वारा सेवा मां की बाप की सबकी, लेकिन मन द्वारा तो भगवान के। जिसने ये राज जान लिया वो जाने और जाने में कहेगा, मारे तो प्रभु गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई मिल रही, अब दूसरा कोई नहीं है, एक मेरे इष्टदेव जी है। अब कर्म करोगे तो भगवान के प्यार में भर के, क्यों प्यार में भर के, उनके एहसान कितने हैं हमारे पास, अच्छी बुद्धि, अच्छा मन, अच्छा तन, अच्छा परिवार, श्रद्धालु परिवार, धन की कमी नहीं, खाने पीने की कमी नहीं, रहने की कमी नहीं। फिर आपको बताने के लिए भगवान ने मुझे भेज दिया, ये उनका उपकार आपके ऊपर, समझने की बुद्धि दे दी, इतना एकांत स्थान दे दिया, आए गए गए, अब गिनती जाओ, गिनती नहीं है भगवान ने कितने उपकार किए हमारे कल्याण के लिए। इसलिए जो कुछ भी करे भगवान के लिए करे, बड़े भारी उपकार है। घोर कलयुग के अंदर हमें अपनी ओर लगाना, आधी रात को उठा लेना, मैं तो पागलों की तरह कभी हंस भी पड़ता हूं, भगवान उम्र क्या है और उठाना जवानों की तरह। स्नान करो जी प्यार में, स्नान करो जी, अच्छा जी जाप करो जी, स्वाध्याय करो जी, चलो सत्संग का टाइम हो गया जी, ये कौन करवा रहा है पीछे? जैसे रामलीला के पर्दे के पीछे कोई और है, आगे सीता बोल रही है, रावण बोल रहा है, लेकिन उनका जो शब्दावली है वो पीछे कोई और बोल रहा, ये सारा कुछ क्या कर रहे, कौन कर रहे हैं? दरअसल होती है उनकी हिदायत, उन्हीं की प्रेरणा है।
ऐसा देख करके फिर हम कुर्बान हो जाते हैं कि दाता ये सब कुछ आप करने वाले हैं, आप प्रेरणा दी जा रहे हैं, हम की जा रही है। सत्य ये बात बिल्कुल सही है। हम अपने लिए कहेंगे रजोगुणी तमोगुणी तो ये नहीं कहेंगे, क्या हम तो हैं कठपुतलियां, वो है हमारे पुत्री का। जैसे उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक, हम अपने रोज जीवन में देख रहे हैं वसीला बन सचमुच हम सब वसीले, वी आर नियर इंस्ट्रूमेंट्स। वसीला मैंने इंस्ट्रूमेंट, वसीला क्या होता है जब वसीला शब्द है ना, हाँ निमित्त मात्र संस्कृत का, तो अपने सामने रखा करो दरखान। जैसे दरखान के हाथ में औजार, औजारों द्वारा वो लकड़ी को साफ करता है, लकड़ी को घड़ता है, इसी तरह हम भगवान के हाथ में औजार है, टूल्स है, भगवान जी ही हमारे द्वारा करवा रहे शक्ति अपनी। अगर रंदा कहे मैं कितना अच्छा हूं, मैंने लकड़ी को गोरा गोरा कर दिया, रंदा इसमें कोई शक नहीं, तूने इतनी सुंदर रंदाई की है कि लकड़ी का जो फजूल हिस्सा था ऊपर का गंदा खराब डल्टी, वो तूने साफ करके नीचे सुंदर बना दिया, ठीक। लेकिन ऐ रंदा तू भूलता है तुझे चलाया किसने और किसने शक्ति लगाई, हाँ वो जो मेरा बापों का बाप है दरखान, ये उसने किया। इसी तरह हम कह हमने तो बड़ा अच्छे काम किए, किस द्वारा, बुद्धिमानता द्वारा, तो ये किसके हाथ में थे, भगवान जी के हाथ में। इसे बोलते निमित्त मात्र, संस्कृत शब्द निमित्त मात्र है, जो हमारा हिंदू धर्म का ये शास्त्रीय शब्द है निमित्त मात्र। तो मैं तो इंस्ट्रूमेंट हूं, जिसके हाथ में इंस्ट्रूमेंट था वही क्रेडिट के योग्य है। आए क्रेडिट गिवन टू द ऑलमाइटी, नॉट टू मी, नॉट टू दिस, नॉट टू दैट। श्रेय भगवान को मिलना चाहिए, श्रेय हमें नहीं। इस राज को जान लीजिएगा, शाबाश शाबाश भाई तेरी ना, भी मेरी कोई शाबाश नहीं, जो कुछ मुझे देख के शाबाश दे रहा है ये सब भगवान का दिया है शाबाश। जैसे ब्याह के अंदर एक ने बड़े बढ़िया कपड़े, बढ़िया सोना पहन रखा था, जेवर जूवर पूरे सब कुछ, उसने कहा इतनी अच्छी लग रही, इतने सुंदर कपड़े, ना बहन मुझे पाप की भागना पड़ा, ये सब मैं सेठानी का मांग के लाई हूं, मैं तो उसकी नुकरानी हूं, ये तो उसके कपड़े गए। आप हैरान रह गए हैं, लोग बता तेरी सब बता रही, हाँ बिल्कुल उन्होंने मुझे दिए हैं, तो वक्त तू अपना निकाल ले, तू मेरे कपड़े ले जा, तो वो बांठन के बैठे हुए, तू भी अपना समय निकाल ले, शाबाश। इसी तरह कोई आपका आदर मान करे तो किस कारण से कर रहे हो, जिस कारण से कर रहे हो ये भगवान ने मुझे उधार दिया है, ये महाराज जी ने दिया, तो क्रेडिट किसको देना चाहिए, श्रेय ये भगवान को। ये जान लेने वाला भगवान की ओर अपने मन को लगाए रखता है, और कर्म योग यही है कि हमारा मन भगवान में लगा रह चुका, उनके हमारे पर बड़े भारी उपकार है, इससे क्या होगा बड़ी जल्दी अंतःकरण निर्मल हो जाएगा। बस हमने तो यही करना है, हमने और कुछ नहीं करना, हमने यही करना है। मेरे स्वामी जी से अमेरिका में पूछा गया था व्हाट इज साधना, व्हाट इज स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न उनसे किए गए थे, आप जानते नहीं होंगे तो मैं बताता हूं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस क्या है, साधना क्या कहते हैं, तो कहते हैं भाई जैसे हम रात को सो जाती हैं, ध्यान लगाना रात को सो गए 5-6 घंटे के बाद उठे तो क्या किया, अब 5-6 घंटे के बाद उठने के बाद हमारे में गंदी गंद हो गया है, अंदर भी गंद थे बाहर भी गंद। ओ ध्यान देना ओ देवियो, ओ मेरे गुरुदेव ने मुझे क्या समझाया, साधना किसे कहती है, है स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, ये हम कर रहे हैं प्रैक्टिस, क्या है स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। तो रात को हम सो गए, अब सवेरे 6-7 बजे में उठे, गंदी गंद जो हमने खाया पिया था, हाँ गंद हो गया, अंदर मल बन गया, मूत्र बन गया, हम गए अपने बाथरूम में, भागे भागे गए, हाँ निकाला गंद, पेशाब भी गया, शौच भी गया, सब गंद, पेट हल्का हो गया, हाँ ये हो गया, मुंह में भी गंद, लुबाब कितना गंदा होता है मुंह के अंदर, हमने दातन मारा, फिर मंजन मारा, हाँ फिर मंजन मार के फिर वो दातन की सलाख तोड़ के फिर जीभ पर मार मार के सारा गंद निकाला, ये बड़ा जरूरी होता है, जीभ पर नहीं मारते तो फिर तो खराब होगा काम, कितना गंद निकलता है, कंठ से कितना गंद है, तालू से कितना गंद है, जीभ के ऊपर कितना गंद जम जाता है 24 घंटे में, वो सब अगर अंदर जाएगा तो हाजमा आपका बड़ी जल्दी खराब हो जाएगा, बहुत ही जल्दी यू विल लूज योर डाइजेशन पावर, फटाफट गंद निकलना चाहिए, नहीं तो जो हम लबाब लेंगे जो ग्रास लेंगे उसके साथ जीभ का गंद अंदर जाएगा, जिसके कोई दांत खराब हो जाता है, प्योरिया पड़ जाता है तो फौरन निकालो, वरना जहर अंदर जा रही है। अच्छा तो ये सारा गंद निकाला, उसके बाद फिर स्नाना, स्नान किया, क्यों पूछा गया स्नान क्यों करना चाहिए, रात को क्या होता है, श्वास लेती है ना, हाँ
अब हम तो समझते थे कि श्वास हम या नाक से ले लेते हैं या मुंह से, नहीं, एक एक जो हमारा रोम है वो श्वास, वो हवा लेता भी है हवा छोड़ता भी है। सांस लेने को प्राण बोलती है, श्वास अंदर के छोड़ने को अपान बोलते हैं, प्राण अपान, प्राण इनहीलिंग और एक्सहीलिंग। तो फिर शरीर सारा गंदा हो जाता है, एक एक ये अंग गंदा हो गया, ये जो रोम ले रहे हैं सिर्फ इतने श्वास से नहीं शरीर जिंदा रह सकता, ये भी श्वास लेती है और छोड़ते भी है, इसलिए स्नान करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि अपान वायु से कार्बन डाइऑक्साइड से ये सब गंदे हो गए, खराब हो गए, स्नान किया मैल निकाल दिया सारा गंद। हा यही साधना है स्वामी जी ने कहा, यही साधना है जो हमने किसी जन्म को छोड़े, वो मानते नहीं अंग्रेज, मेरी बर्थ या बर्थ बकवास ना माने, इसी जन्म में जैसे रात्रि को सोए थे गंदी गंद हो गए अंदर बाहर, उसको धोया साफ किया तो दिन भर के में काम करने के योग्य हो गया, हमारे में एक विशेष प्रकार की स्फूर्ति आ गई या विशेष प्रकार की तरोताजगी का हमने अनुभव किया, वेल एंड गुड। इस तरह साधना क्यों करती है, बहुत अच्छे मेरे प्रभु, बहुत अच्छे मेरे गुरुदेव, हम साधना क्यों करती है, स्नान कराने के लिए, जो हमारे में अनवांटेड, अब समझते हैं ना अनवांटेड अनावश्यक गंद आ गया, काम का, क्रोध का, मोह का, लोभ का, अहंकार का, चूंकि हमारे पल्ले ज्ञान नहीं था, हमारे में गंद क्यों आया, हम नींद लेते रहे 5-6 घंटे हम नींद ली तो हमारे में क्यों आ गई ये गंद, हमें अज्ञान नहीं थे, इग्नोरेंस में थे, अनजाने रूप से, नॉट नोइंगली बट अननोइंगली हमारे से ये होता रहा होता रहा। अब कुछ एहसास का मादा पैदा हो गया, एहसास अब हमारे में एहसास हुआ, यानी फीलिंग हुई हमारे में, क्या फीलिंग हुआ, ये तो नहीं करना चाहिए था, ये मैंने क्या कर लिया। अगर इंसान भगवान के अनुसार जुटता कभी भी गलतियां ना करता, और वो जुटता है मन के अनुसार, और मन में होती है गंदी वृत्तियां, ये नेगेटिव क्वालिटीज, जिसको हम कहते हैं विषय विकार मिटाओ, विषय विकार ना मिटा दे क्या होता है, पाप, पाप हरो देव, हे मेरे इष्ट देव, देव करते इष्ट देव, हरो का मतलब है लूट लो, हरने का मतलब तो लूट लेना, मेरे इन पापों को लूट लो, क्यों जो मैंने अज्ञानता में किए हैं, विकारों से किए हैं, काम क्रोध से किए हैं, इनसे लूट लो, तो क्यों मुझसे हुए अज्ञानता में, तो इन सब को ज्ञान लेके, जैसे वहां हमने जल लेकर के, साबर लेके, तौलिया लेके अपना सथूर शरीर साफ किया, इस तरह भगवान से ज्ञान लेके, ओए होए भगवान से भक्ति लेके और वैराग लेके हमने अपने अंतःकरण को साफ कर दिया, बस और कुछ नहीं कर, अब हम साफ हो गए, नहा धो के आए, सारा दिन सफुर्ती से काम करेंगे, बहुत एक हम सक्रिय अपने आप को पाएंगे, या वेरी एक्टिव एंड स्मॉल अपने आप को देखेंगे, गुड। तो साधना का मतलब जन्म जन्मांतरों के संस्कारों को मिटाना, जो बैड इंप्रेशन, काम क्रोध लोभ अहंकार के आगे, इनको मिटा दे, और फिर क्या होगा, पूर्ण शांति और भगवान के दर्शनों के योग्य हो जाएंगे। साधना इसलिए जैसे सवेरे शौच, दातन खुल्ला और स्नान स्नून जरूरी है, अनिवार्य है, इससे साधना अंतःकरण के लिए अनिवार्य है, वो स्नान सथूर शरीर का, साधना सूक्ष्म शरीर का स्नान है। भला हो शंकराचार्य जी का, जिन्होंने हजारों भारतवासियों को जगह जगह जाके बताया, खासकर तीर्थों पर जब बड़े स्नान के, अभी तक फिर भी कोई नहीं समझा, तीर्थों पे खड़े हो जाते घंटों, पैर भी थक जाते, जांघे थक जाती विचारों की, और घंटों खड़े होकर बोलते रहते, स्नानम मनोमालताग्यम स्नानम, ओ जीवो ये तो स्नान कर रहे हो, पर अंदर का भी एक स्नान होता है, मन के मल को, विकारों को दूर करना, स्नानम मनोमल त्याग, जैसे शरीर का मल तो धुल गया, शौच किया, पेशाब किया, सामान लगाया, तौलिया लगाया, ये तो ऊपर के शरीर का, अंदर जो गंदे विचार, गंदे इरादे, गंदे सफुरने, गंदे संकल्प विकल्प, इधर ध्यान ही नहीं दिला, एक स्नान वो भी तो है, वो उधर नहीं ध्यान हमारा, उसके लिए प्रातः काल उठती है, सत्संग मिल जाता है, यह सत्संग ना होता, गीता जी को हम बड़े ध्यान से पढ़ती है, क्यों पढ़ी जाती गीता, मन के, मन का स्नान कराने के लिए, क्यों धोती है, तन की मैल को उतारने के लिए बाथरूम चाहिए, और मन के मल को उतारने के लिए गीता चाहिए, भगवान का सिमरन चाहिए, या अगर बड़ी किस्मत हो तो सत्संग चाहिए, इसलिए ये पूरा जरूरी है अंतःकरण, आजकल परवाह कोई नहीं, काले पे काला रूढ़ी बनती जा रही है अंतःकरण, काम बढ़ता जा रहा है, क्रोध जैसे रूढ़ी पर गम बढ़ता जा रहा है, अंतःकरण में काम क्रोध मोह लोभ अहंकार बढ़ते जा रहे हैं, आपके अहोभाग्य कर्म योग
आपके अंतःकरण की सफाई कर रहा है। चूंकि बुद्धि में इरादा पवित्र होगा, मन में विचार उच्च एवं निर्मल होंगे और कर्म स्वार्थ रहित होंगे। स्वार्थ रहित कर्म भगवान जी ले लेते हैं, स्वार्थ रहित कर्म भगवान जी ले लेते हैं। हाँ, मूलियां आप खा गए, गाजरे आप खा गए, और जो आपने छिला वो वहां से गुजर रही गैया खा गई। कोई 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 गैया गुजर रही थी, तो जो आपने छिले साफ किए मूलियों को गाजरों को, तो ऊपर छिलके छुलके उतरे, गैया खा गई और अंदर का मूली आप खा गए। इसी तरह क्या, जब हमने मन को निर्मल किया तो भगवान जी खा गए, क्योंकि निर्मल मन भगवान की बैठक है, निर्मल मन भगवान के रहने का स्थान है। और गंदा मंदा मन हो, खराब हो, तो फिर काम करो, वो लोग रहेंगे हमें बर्बाद करेंगे। बड़ा जरूरी, अगर आप विचार करें, जैसे भोजन अनिवार्य गए, इस तरह स्वामी जी ने हमारे मन में बिठा दिया, इस तरह भगवान का भजन हमारे की भक्ति किसी पे आसान थोड़ा कर रही है, ये हमारे अंतःकरण के लिए अनिवार्य गए। ना स्नान करो, एक दिन भी ना स्नान करो, देखो बुरा हाल अपना, जमाइयां अंगड़ाइयां सुस्ती, आंख ऐसे जैसे शराब पी हो, दिल ही नहीं करेगा काम करने का, पैर उठाने का नहीं काम करेगा, अंदर गैस बढ़ेगी और सिर हमारा भारी भारी नजर आएगा, क्योंकि गंध तो अंदर है। अच्छे शौच नहीं किया, वो तो कहते हैं अगर एक टाइम भी शौच नहीं किया आप अपने साथ बैर कमा रही है, अंदर गंदी हवा ऊपर चढ़ेगी, बार बार आपको हिचकी आएगी, हम जी ही नहीं सकते अगर हम लोग ना अंदर की सफाई करें तो। इस तरह हमारा रहना बिल्कुल जिंदगी शर्मिंदगी से भर जाती है अगर भगवान की भक्ति द्वारा निर्मल न किया जाए। बड़ा जरूरी है, और ये तो कर्मयोग है। कर्मयोग में तीनों की धुलाई, बुद्धि की, मन की और कर्म तन की, नहीं कर्मों की। तन की तो बेटे में स्नान कर ली, साबुन लगा लिए, जो कर्म करेंगे भगवान के नाम पर वो लोग शुभ कर्म तो करते हैं, जल्ले पागल शुभ कर्म करते हैं अहंकार बढ़ाने के लिए, अपना नाम सभा में करवा देंगे, अपने नाम की मंदिर बनाया बहुत सुंदर वाकई बार नाम लिखवा देंगे, फिट्टे मुंह द्वारा किया कराता खू खाते सब खराब, नाती धोती राई गई ते मुंह ते मक्खी बह गए। वो अगर भगवान के नाम भगवान माला माल कर देते, भगवान निहाल कर देते, अगर नाम अपना ना लिखवाते तो भगवान आप, मैं तो खाली हाथ पैदा हुआ था और खाली हाथ चला जाना है, ये जो इतना रुपया आपने आपने दिया है आपके नाम समर्पित, भला और ऋषियों का जिन्होंने हमें तारने के लिए कहा तेरी वस्तु तदीय वस्तु गोविंद तुभ्य में समर्पित, सब कुछ तो आपने दिया है आपके चरणों में समर्पित। दुनिया भी छोड़ के मरती है पर जबरदस्ती छोड़ती है, रब दा प्यारा भी छोड़ के मरता है पर तरता क्यों, उसकी भावना बड़ी शुद्ध हो जाती है, वो सब कोई भगवान के नाम पर दे जाते हैं, तर गया और वो मजबूर होकर देती है, वस्त चला तो आगे क्यों, अंतःकरण में बड़ा अंतर हो गया, बड़ा भारी अंतर। इस इन बातों की गहराइयों में उतर जाओ, जो हमें मिल रहा है ये कर्म जो बहुत आला कर्म भगवान के प्रेम में भर, बस इससे माँ बाप का भला, बहन भाई को वो बाहर थोड़ा चले जाएंगे या उनसे आप बाहर चले जाएंगे, नहीं, लेकिन भावना बदल गई अब, अब आपके विचारों में चलते फिरते पत्नी नहीं आएगी, पति नहीं आएगा, बेटे नहीं आएंगे या कोई और नहीं आएंगे, अब आपके अंदर शुक्र मनाते जाओगे भगवान का, प्रभु आपकी बड़ी कृपा, केवल आपकी शक्ति से मैं अपना काम कर रहा हूं, ये सब कुछ आप ही तो बख्श रहे हैं, हर समय भगवान का चिंतन। तो वो जो कमाएंगे वो सब घर के अंदर ही लगना है, कोई भगवान आगे नहीं आ जा रहा, जब आपको तनख्वाह मिलती है भगवान आगे आ जाए मुझे दे दे, ऐसी नहीं, सिर्फ भावना में रख ले कि प्रभु ये सब कुछ आप, वी हैव टू चेंज द फीलिंग, हमारा सब कुछ बदल गया। ये कर्म योग बड़े निराले ढंग से क्या अर्थ हो गया, कर्म करने की कला हुनर इस तरीके से होता है। हमारे तो वैदिक धर्म में हुनर को यूं कहा गया, हुनर जिससे लोक प्रलोक बन जाए, कला जिससे लोक प्रलोक, आजकल जो कला नाचने की है सीखती है फिट्टे मुंह ही नंगा, क्या हो गया अगर ये कला सीख ली और केवल धन कमा लिया, अहंकार हो जाएगा, विलासता बढ़ जाएगी। हुनर सीखना था प्रलोक भी बनाने के लिए, ये भी क्या हुनर और जिससे मुझे डबा दिया, ये भी हुनर हुआ। हुनर वो होता है जिससे लोग प्रलोक बने, याद रखना, जिससे लोग भी बने प्रलोक भी बने, उसको हमारे हिंदू धर्म में कला बोलते हैं। आर्ट, आर्ट होता यही है, ये जो आर्ट सीख रही है, ये आपकी जाती है नाचना सीख लिया, इससे क्या हुआ,
देख रहे हो कितनी गंदी वृत्तियां अंदर पैदा होती गई, जिस इंसान डूबेगा या कोई और आर्ट आपने सीख लिया उसे वासना बढ़ती गई। आर्ट तो वो होता है जिससे हमारा परिवार भी चले और साथ भगवान भी चले, दोनों साथ साथ चले, तब हम कहते ठीक ये कला है। और ये एक कर्म करने की कला जिससे जब तक रहो आराम से रहो, शरीर छोड़ो तो भगवान की जात में तरी हो जाए। ये बहुत ही अच्छे ढंग से प्रभु बता और समझा रहे हैं, बहुत बड़ा उपकार है तीसरे अध्याय का, जिससे हम दोनों बना लेती हैं अपना। आहा तो ये हमने जाना था जो भगवान ने कहा भाई ऐसों के लिए जिन्होंने पूर्ण पर भगवान के हवाले कर दिया अपना और अपने आप में ही प्रसन्न रहती है भगवान के हवाले कर, संत कर निर्मल निर्मल अंतकरण अपने आप में संतुष्ट भगवान के नजदीक, हाँ कहां फिर वो कर्मों का पाप। उसके लिए कोई कर्म के नहीं करे, करेगा तो हमारे पर उसका बड़ी भारी मेहरबानी। भगवान के प्यारे अगर कर्म करें तो हमें जगा देंगे, उठा देंगे, इस मार्ग पे चलने का अभ्यासी बना देंगे। पर अगर ना भी करें भगवान नाराज नहीं होते, मर्जी भी तेरी, तो इस अवस्था तक पहुंच गया अब तेरी मर्जी। आहा जैसे पिताजी प्यार से कहती हैं पुत्र तुझे मैंने इतना पढ़ाया है, थोड़ा बहुत अपनी बहन भाइयों को पढ़ा दिया कर, आगे तेरी मर्जी पढ़ाना पड़ा। भगवान ऐसे प्यार से कह देती है तुझे तेरा मैंने इतना कल्याण किया है, थोड़ा बहुत अपने बहन भाइयों को भी दे दिया कर। बिल्कुल ये प्यार के शब्द होते हैं। सगा बाप कहते थोड़ा सा बेटे फिर भाई छोटे छोटे इनको ये इस संस्कृत नहीं आती पुरानी, और तू इसमें पारंगत है एक्सपर्ट है। हाँ यही भगवान कहते भाई मजबूर नहीं करते बेटे को, तेरी मर्जी। जो जरा पिताजी का इशारा सुनेंगे बड़े दाना, और जो सुनी और सुनी कर गए भगवान पिताजी कहेंगे सही नहीं कुछ, लेकिन कुछ पिताजी सीरियस होता है। इसी तरह वो कर्मों को कहां कर्म पाबंद है ना करे, लेकिन भगवान कुछ सीरियस हो जाती है। इतने पर मैंने इस पर कृपा की, इसकी बुद्धि को निर्मल कर दिया, इसके अंतगण को साफ किया, दीदार दे के हमेशा रहने वाली शांति दे दी, आवा को चुड़ा दिया, अब ये दूसरे जो उलझे फंसे पड़े उनको नहीं करना। भगवान के लिए काम करना इसी तरह जैसे अचानक किसी की छत गिर गई, अच्छा, और उसमें सारा परिवार या और मिलने जुलने वाला दब गए। एक व्यक्ति जो दरवाजे के पास जैसे कई वो बैठे हुए बैठे बैठा हुआ था, उसने हिम्मत मार के बाहर आ गया, आ गया बाहर। हाँ अब बाहर क्या भाग जाए कहीं, लानत जो दबे पड़े हैं उनको निकाल दे, जिनको मलबा आ गया उनको निकाले, गो निकाले निकाल उससे अपनी जान बचा निकल जाए, लेकिन नहीं इंसानियत नहीं। इस तरह भगवान कहते कहां फिर वो कर्मों का पाबंद है, वो तो काम क्रोध मोह लोभ के मलबे से निकल गया, बाकी दबे पड़े हैं कुछ नजर उधर भी ना। अगर कभी ऐसी घटना ना भगवान करे घटे, अगर घटे तो आपका धर्म हो जाता है, अगर मैं मलबे से निकल आई हूं तो और जो दबे पड़े हैं भगवान बड़े खुश होते। इसलिए तो भगवान कितना प्यार देते हैं, मुरब्बत की आंखों का तारा है वो, सारी दुनिया से तारा है वो, कितना आदर दिया भगवान। कह तो रही है कहां फिर वो कर्मों का पाबंद नहीं है, उस पर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन आयद नहीं होते, उस पर नहीं लागू होते। भगवान बड़े प्रसन्न होते, यहां तक भी कह रही है क्या न दिल बस्तगी है जहां से उसे, न कुछ मुद्दा यूं वहां से, उसका मन ही कहीं कोई वासना नहीं, कोई कामना नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, कोई लोक से मतलब नहीं, कोई परलोक से मतलब नहीं, उसे परलोक से भी कोई मतलब नहीं, कोई स्वर्ग नहीं चाहिए, कोई देवता नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कोई देवियां नहीं चाहिए, चूंकि वो भगवान का अनुभव कर चुका है। भगवान यहां तक कहती जा रही है, हाँ इसलिए भगवान कहते अगर ये शानदार अवस्था बनानी है, अब हमारे जैसे सुख लिया गया ये अवस्था शानदार, न लोक से मतलब न परलोक से मतलब, जी कर्म करें ना करें, हाँ ना करें, जो भगवान कहता था जहान में एक पल भी नहीं देखोगे जो फारग है और बेअमल, और यह कहते बिशक बेअमल हो जाए, बिशक ना ये कर्म करे, इसकी मर्जी परलोक की तरफ ना देखे, स्वर्ग की ओर ना देखे, देवी देवताओं को घोट के पी जाए, बिशक इसकी मर्जी, चूंकि ये वेदों के लिखे से जाए बलंद, ये ऊपर निकल गया। आहा उसके लिए वेद एक मैल तैलाब है जहां सारे आलम प्रतिष्ठान दिए गए, मर्जी उसकी। हाँ इतनी अच्छी अवस्था, इतनी मरने से पहले सी छोड़ने से पहले उसकी इतनी शानदार अवस्था बना ली, सब अंतगण को धो लिया, निर्मल कर लिया, पाक साफ हो गया, तो अब हमारे मन में डाव पैदा होते हैं शब्द लगाऊ, या हमारे मन में एक विशेष प्रकार के
उत्सुकता पैदा होती है, जिसे अंग्रेजी बोलते हैं क्यूरियोसिटी। हम वी आर वेरी वेरी ईगर एंड क्यूरियस, ऐसी अवस्था मेरे भी बन जाए, हम भी बनाना चाहते हैं। भगवान कहते ये बात, हाँ तो महापुरुष तो नहीं बोलेंगे, भगवान अपनी ओर से कहती है रहो, इसलिए तुम लगावट से। अब ये हमारे लिए उपदेश आ गया, भगवान नीचे उतर आए, कहा तो उनको उपदेश दे रहे थे जो इतना ऊंचा चढ़ गया, फिर भगवान जी नीचे जैसे जहाज डाइव करता गोता लगा के नीचे आता। हाँ भगवान के तुम बनाना चाहते हो, हाँ प्रभु लगावट न रखो, किसी के लगावट होती है अटैचमेंट, आसक्ति। आसक्ति का मतलब क्या होता है, प्राय चीज को अपना मानना, अपनी वो तो आसक्ति थोड़ी होती है, अटैचमेंट होती है, पुल जाना फंस जाना, जैसे ये पांच उंगलियां यूं रहे ए यूं, इसको अटैचमेंट कहते हैं, ये इसके साथ अटैच हो गया, ये इसके साथ अटैच हो गया, अटैचिंग एक दूसरे के साथ, वरन अदर अटैचिंग ये होती है। अब ये जो ये कहते तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, तुम मुझे बहुत अच्छे, तुम मेरे बड़े प्यारे हो, तुम मेरे बड़े प्यारे हो, तुम मेरे बड़े काम होते हो, तुम मैं भी तुम्हारे बड़े काम, तुम मेरे बड़े काम, जो ये बोले वही बोली जा रही है, क्योंकि बात ठीक है, दोनों एक दूसरे के लिए बड़े काम आ रहे हैं, ये लगावट हो जाती है इसके साथ। अगर ये होती अरे तुम्हारे साथ, तुम्हारे भी शक्ति भगवान की, मेरी भी शक्ति भगवान की, तुम्हें भी भगवान प्रेरणा दे रहे हैं, मेरे भी प्रेरणा दे रही है, विशाख तुम मेरी उपयोगी बन, मैं तेरी उपयोगी बन, लेकिन हम दोनों शुक्रिया भगवान का करें। अगर ये विचारवान होते तो एक दूसरे लगते ना, पर इनके पल्ले विचार नहीं है, शरीरों में प्यार कर रहे हैं, वही प्यार होना चाहिए था भगवान के साथ, वही प्यार हमने शरीर के साथ लगा लिया, और शरीर कैसा, हाय शरीर कैसा, जो जा रहा है शमशान की ओर, हम शरीर को अपना बनाते, शरीर कैसी, किसी की बकरी बहुत अच्छी थी और पत्नी पति के साथ जा रही थी, पत्थर जा रही, कभी बकरी एक कान पकड़े, कभी बकरी मुंह पकड़े, उसको चूम ले, अब वो कहता है तुम कितने मूर्ख हो, क्यों बकरी को प्यार करो, मैं तो बकरी को जबा खाना ले जा रहा हूं, जा मैंने टुकड़े कर देने इसके, मैं तो वहां जा रहा हूं, हाँ देख मैं कहां जा रहा हूं, जैसे गले और अंग कट के मांस इसके बेच देना, हाँ हम तो एक दूसरे के साथ शरीर में इतना प्यार करती है, शरीर कहां जा रही है, शमशान भूमि की ओ। काल कहता है मैं यही तो करता हूं बेटे, काल क्या करता है, काल दो तरीके से हमारा बेड़ा गर्क करता है, एक तो शमशान को भुला देता है और एक सब कुछ देने वाले भगवान को भुला देता है। ये जब दोनों इंसान भूल जाता है, वहां फिर मोह, फिर क्रोध, फिर लोभ, फिर अहंकार बढ़ जाएगा। अगर हम इन दोनों को याद करें, बढ़ाओ जरा काम नहीं बढ़ सकता, क्रोध मोह लोभ अहंकार कोई व्यक्ति नहीं बढ़ सकती, अगर ये दोनों याद रहे, वो दिन नजदीक आ रहा है जब मैंने चला जाना है, भगवान याद आते रहे। जब इंसान भगवान और शमशान को भूल जाता है, फिर कौन सा गुनाह है जो नहीं करेगा, कौन सा पाप है जो उससे नहीं हो जाएगा, देवियों और कर्म योग क्या है, हर समय भगवान के गुण गाते रहना, कर्म योग, कर्म द्वारा योग मेरे मालिक में मिलने का तरीका, ऑल्ट, इसलिए भगवान कहते रहो, इसलिए तुम लगावट, ये लगावट बड़ी गलत है, लगावट किसके साथ, अपनी चीज तो है ही कोई नहीं, और जो नजर आ रही है ये शमशान की ओर जा रही है। ऋषियों ने अनुभव करके इन तीन शब्दों में हमारा कल्याण कर दिया, जब दृष्टम तब नष्टम, जो कुछ दिखाई दे रहा है ये सब नष्ट जाने वाला है, या जो कुछ दृष्टम आंखों का विषय है नष्टम, पेरिशेबल क्या, विजिबल पेरिशेबल, दो ही शब्द विजिबल पेरिशेबल, ऐसा जान लेने वाला क्या भगवान ने क्या कर, जिसके ऐसे विचार पक्के हो गए, ऐसा जान लिया वो क्या करेगा, तन मन से करता है, पंद्रवा अध्याय साक्षी है, वो दिलो जान से भगवान का प्यारा बन जाए। अब भगवान तरीका बता रहे हैं, बजा लाओ फर्ज अपने सब बिल, लेकिन लगावट छोड़ कर, लगावट नहीं, क्योंकि लगावट किससे करो, क्या अगर मन लगावट करने लगे, मोह करने लगे, तो आपकी चीज ही कोई मनवा न, तन तेरा और जिस तन को तू अपना मानना चाहता है वो भी तेरा नहीं, वो भी भगवान ने बनाया, ध्यान देना जरा, हम तन को अपना समझे, कैसी पांच तत्व तो भगवान की है, और इतनी को शक्ल देने वाला, अंग बनाने वाला भगवान, हाँ, और अंदर आत्मा बन के चलाने वाला भगवान, तो किस बल बूते तत्ता पानी, हम कैसे गए ये मेरे गए, इस तरह मन को चोट मारा करो, मन तो कहता ये माँ मेरी, माँ कैसे, माँ के जो पांच तत्व तो मटीरियल है वो भगवान का, और जो जिसने क्रिएट किया है भगवान क्रिएटर, वो बनाने वाले वो, और आत्मा चलाने वाले, अगर आप इस तरीके समझा दें
माँ की कदर तो करेंगे, माँ के साथ मोह नहीं करूंगा। पिता है, पत्नी है, पति है, भगवान ये तो अगर हमने नहीं बनाना तो भगवान इनको पैदा ही ना करते, इनको बनाते ही ना। बनाए तो है पर रहने का तरीका बता रही है कि मुंह नहीं करना अपने, आगे कह रही है बजा लाओ फर्ज अपने सब फिर इनके प्रति जो कर्तव्य है वो तो हमने करने, पर इनके साथ अटैच नहीं हो जाना। हमारे कुछ ड्यूटीज है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है इनके प्रति, वो तो बजा लानी है लेकिन इनको फंसाना है, इनमें उलझना नहीं। ये वही हुआ तरीका, सियानी मक्खी शहद चट लेगी उड़ जाएगी, कमली मक्खी शहद चढ़ती चढ़ती अपने सारे अंग फंसा के पच पच के मर जाती उसी शहद के अंदर। ओए होए मूर्ख जीव, फर्ज पूरे करते करते इन्हीं रूपों में मर जाती है, मुंह में काम में। दाना आप जैसे जीव अपने फर्ज पूरे करते उड़ारिया भर जाती है भगवान की ओर। संसारी आदमी मर रही है इनके अंदर पगली मक्खी की तरह, सारी अपनी चाटी शहद और उड़ गई, किनारे पे बैठे रहे। आप भगवान का ज्ञान और भक्ति लेकर किनारे पे बैठ के अपने फर्ज पूरे कर रहे हैं लेकिन बुद्धि और मन को फंसा नहीं कर। कितने वाइज, कितनी इंटेलिजेंसी है इस बात को सीख लेगा। रहो इसलिए तुम लगावट से दूर, बजा लाओ फर्ज अपने सब बिल जरूर, लगावट ना रखो अमल में फसल, किसी कर्म के अंदर लगावट नहीं, ये फंसाती रही है। वो जाति जो में अटैचमेंट है, अटैचमेंट मूर्खता से होती है। जब हमें विचार न हो कि मैं बार बार मन को मन मन तो मोह कर, पर कोई वस्तु अपनी हो तो मोह करूंगा। आप मुझे सियाने कहेंगे, मां मूर्ख कहेंगे कि अगर आपको वाणी सुनाने के बाद ये सारी चीजें मैं सिर पे रख के जाऊं, ये भी ये स्टेज टूज, अगर मेरा वस्त्र रहता है स्टेज भी उठाऊं हनुमान की तरह और सारी अपने पर। अब क्या हो गया आपको, ये क्या हो गया, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो जब मैं आया था तो ये तो बिछी हुई थी, तो मैं दना कब कहलाऊंगा, जब जाऊं तो इनको यहीं छोड़ के जाऊं, तब मैं मुझे दना कहेंगे कि मैंने सिर पे रखो। कितना इंसान मूर्ख है, मां बाप बहन भाई पति पत्नी जो पहले थे उनको अपने मन में रख के मरता, कितना नादान। हम आए थे तो ये थे, हम जाएंगे तो भी ये, एक दूसरे के साथ हमने लेन देन का संबंध पूरा कर। मैंने स्टेज का फायदा उठाया, कमल का फायदा उठाया, शाल का फायदा उठाया, अपने ग्रंथ जी का फायदा उठाया, डायरी का फायदा उठाया, भगवान जी का चित्र पढ़ा, इनको मत्था टेका, बस दैट्स ऑल, कि इनको सिर पे कंधों पे रखूं ना, बिल्कुल भी नहीं। यही हाल हमारे सबका है, यही हाल भगवान कह रहे हैं, लगावट ना रखो अमल में पसंद इसी से मिलेगा। भगवान कहते मैं वचन देता हूं तो मेरे दर्शनों के योग्य होगा। आहा, तभी आप मेरा दृष्टांत सामने रखना। ये सब को मैं उठा के चलू मूर्ख और ये सब फर्ज निभा के इनको छोड़ जाऊं, दादा अगर इंसानों के मुंह कर करके इनको अपने मन में लेके मरो महामूर्ख, और अपने फर्ज बजा करके भगवान को याद करके जाओ बड़े सियाने, बड़े सियाने। मेरा धर्म था मैं बाप बन के आया, मेरा धर्म था मैं पति बना, मेरा धर्म था पत्नी बनी, अब अपने फर्ज पूरे करके मैं जा रहा। ये मजा आ गया, सैर करने आया हो ना, खूब बाग में सैर करो, नाना प्रकार के फूलों को देख के भगवान के गुण गाओ, क्यारियां बनी हुई है, रास्ते बने हुए हैं, वो बेंच बने हुए हैं बैठने के लिए, खूब पैदा उठाओ, घंटा दो घंटे आप घूमे रहे, सुगंधी ली बड़ी अच्छी, आपने ऑक्सीजन ली बड़ा अच्छा, बड़ा फायदा उठाया। उसके बाद माली खड़े हुए हैं, जाओ उनको प्रणाम करो, माली तेरा शुक्रिया, निगरानी तुम करते हो, रखवाली तुम करते हो और बागों को सुंदर आप बनाते हो, फायदा हम उठाती हैं, तेरा बहुत शुक्रिया। आहा माली, यही भगवान करे हमारा हाल हो मरने से पहले। ऐ माली आए थे हम सैर गुलशन, हम गुलशन के बाग, इस तो सैर की इस बागीचे में सैर करने हम आए थे, सैर गुलशन कर चले हम खूब घूमे, देख माली बाग अपना हम तो अपने, हाय हाय आए थे हम सैर गुलशन कर चले, देख माली बाग अपना हम तो अपने घर चले, आए थे हम तेरी दुनिया में और तेरी दुनिया में सैर कर चले, देख भगवान अपनी दुनिया हम तो तेरे घर चले। मजा ये है, ये तरीका सिखाती बताती समझाती है गीता, कि उस अच्छे सैर करने वाले की तरह ना बगीचे का फूल तोड़ा, ना लताड़ा ना तोड़ा, हाँ देखते हुए खुश होकर चले गए, फायदा उठा लिया। तो ना इनके साथ वो करके इनकी आसक्ति लेके मरे, बल्कि बड़ी खुशी से कहे देख
ओ मेरे कृष्ण, क्या संसार अपना, हम तो तेरे अर्चन, ये संसार तुझे कुछ स्वीकार हो, हम तो अब तेरे पास आ रहे हैं। ये तरीका भगवान सिखा रहे हैं। तो अगर ये भाव रख लिया सारे प्राणी पदार्थों में रहे और अपना कर्तव्य पूरा करते रहे, एंड अटैचमेंट कहीं भी ना हो, डिटैच रहे, अटैच नहीं डिटैच, ऐसे भगवान कहते हो मेरे दीदार की खबर। ये ना दुनिया वाले भी रहे संसार में, हम भी रहे, वो उलझ के रहे हम सुलझ के रहे, ओए हो ओए हो ओए हो, वो उलझ के रहे हम सुलझ के रहे, भाई इतना ही अंतर है, वो उलझ के रहे हम सुलझ, क्योंकि हमारे पहले विचार हो गए, हमारे पल्ले भगवान का ज्ञान हो गया। दो कर्मचारी कार्यालय या दफ्तर पहुंचे, एक बिल्कुल भीगा हुआ है, पानी से तर बतर, क्या लिखेगा वहां पर, क्या अपना सिर लिखेगा या अपने पैर लिखेगा, दफ्तर में बैठकर टाइप करना या कुछ और लिखना है, और एक बिल्कुल सूखा पहुंचा है। सुपेंट कहते ये क्या महाराज, बार बरसात हो रही है पर ये सूखा तो गिल्ला, भाई तू इससे पूछो जी, मैं तो बरसात के लेके आया हूं, गम बूट, गम बूट ऊपर तक होते हैं या छोटे बूट अंदर आ जाती है, गम बूट पहन के आया, ऊपर ही मैंने बरसाती वाला कपड़ा रखा हुआ था। अच्छा तो तू, मुझे इस बात का पता ही कोई नहीं, सन की दशे ही कि बाजारों में बरसाती बिकती है, यानी रेन कोट भी होती है। यही हाल एक भगवान के प्यारे का, जहान के, जहान का प्यारा गिल्ला होके मरता है, काम में क्रोध में मोह में लोभ में अहंकार में, और रब नाराज होता है, आप जैसे बिल्कुल सुखी होकर पहुंच जाते हैं। क्यों, बरसाती थी ना आपके पास, आपके पास ज्ञान था, भक्ति थी, विवेक था, वैराग्य, आप बिल्कुल न्यारे पर पहुंच जाएंगे, और वो गिल्ले होके तर बतर गंदी मिट्टी में होकर पहुंचेंगे। कहो जी कौन सियाना, कहो जी कौन मूर्ख, कौन सियाना और कौन मूर्ख, जो सुलझ के रहे वो सियाना, जो उलझ के रहे, जो गिल्ला होके दफ्तर में जाए मूर्ख, और जो बिल्कुल सूखा होके ड्राई, कोई गिल्ला नहीं काम करने के योग्य, ये समझ लेना। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक।